Hello everyone and welcome back to my channel. मैं क्यों खुश हूँ? मैं बहुत खुश हूँ आज. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. और लंच वंच ऑलमोस्ट बन चुका है और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारी. तैयारी क्या, थोड़ा सा घर ठीक ठाक कर रही हूँ क्योंकि कोई स्पेशल आने वाला है मेरे लिए स्पेशल. तो वही कर रही हूँ तैयारी. अब कौन आने वाला है ये भी पता चल ही जाएगा. तो मैंने थोड़ा सा बेडशीट आप कितनी बार भी चेंज कर लो कोई फायदा नहीं. बच्चे का घर हो और यूं बेडशीट यूं गंदे होते हैं, यूं 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 सबके घर में यही होगी. और मैं पता है नहा चुकी हूँ, धो चुकी हूँ, लिपस्टिक लगाया था वो भी गायब हो गया क्योंकि इतनी स्वेटिंग होती है. ऐसा 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 करते करते सब कुछ गायब हो जाता है. और मैं जीविका को स्कूल के लिए छोड़ कर आई हूँ. और क्या, और हाँ मैं बिस्तर लगा रही थी ना, वो तो लगाई हूँ पहले. किसी किसी बेडशीट की ना मुझे चौड़ाई और लंबाई पता ही नहीं चलती और इसका मालूम ही पड़ रहा मुझे. ये जीविका का है पिलो छोटू सा. और ये पिलो पता है किसने दिया था? जीविका की क्या कह लो, मेरी बड़ी दी ने. और ये बहुत पहले. और जीविका एक्चुअली मुझे समझाने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि जीविका मेरी दीदी को बुआ भी कहती है, दीदी भी कहती है, तो इसलिए समझाना मुश्किल हो रहा है. तो ये दीदी ने ही दिया था उसको और अभी तक ठीक ठाक है. यार रात को ना थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो इसलिए पतला वाला ब्लैंकेट रखना पड़ता है. वैसे तो चादर से भी काम चल सकता है. मैंने बिस्तर लगा लिया है. ये थोड़ा सा कॉटन का जो भी बेडशीट वगैरह होता है वैसा हो जाता है, आप कितना भी अच्छे से फोल्ड करके रखो. तो एक और इम्पोर्टेंट काम कर लूँ मैं. तो मैं ये टॉवल लगा कर रख रही हूँ क्योंकि आने के बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो मैं टॉवल भी लगा रही हूँ. और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आज थोड़ा सा ड्राइंग रूम का लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया. थोड़ा सा कैसे चेंज किया दिखाऊँ आपको, चलो मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डालती थी, अभी थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा कपड़ा सा डाल दिया है और उस पर ये सारे शेड्स मैंने लगा दिए. और ड्राइंग रूम में जो दो चेयर था उसको इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है. और ये तो ऐसे ही है, आपने देखा ही था. और ये जीविका की डॉल को यह मैंने बिठा दिया है. तो आपको ओवरऑल दिखाऊं क्या?
ओवरऑल कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा लग रहा है ना, आप लोग ज़रूर बताना ऐसे दिख रहा है क्या। हाँ ऐसे दिख रहा है, ये देखो। बस यही सब मैं कर रही थी सुबह से, और टाइम नहीं मिला था कि मैं शूट करूँ। और अभी क्या करना है, अभी मुझे लंच की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ आलू की सूखी सब्ज़ी बनानी है, तो वो बनाऊँगी मैं। तो वो बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और उसकी कोई रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो मिलती हूँ। लंच अभी तैयार है, और लंच में मैंने क्या क्या बनाया है वो आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल लंच है, लेकिन मेरे ख्याल से सिंपल होके भी बहुत टेस्टी है। ये है दाल पालक, ये सोया आलू की सूखी सब्ज़ी, रोटी, पापड़, और ये सैलेड। राइस भी है जो कि मैं बाद में दूंगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को खाना खिला दिया है, और अब मैं खा रही हूँ। मैंने भी वही सेम चीज़ ली है, नहीं सेम चीज़ तो नहीं ली है मैंने, रोटी नहीं लिया है मैं। रोटी दिन में मुझे राइस ही पसंद है, और अगर राइस बना है तो फिर मैं रोटी और राइस दोनों नहीं खा सकती, मैं राइस को ही प्रिफर करती हूँ। ये जो पालक वाली दाल है, मोस्टली हर कोई बनाते हैं, और हर लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग मूंग दाल में बनाते हैं, लेकिन मैं चने की दाल में बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चने की दाल में। मेरे हस्बैंड कहते हैं साथ में खाना खाने के लिए, लेकिन भाई ये जो एक आदत आपको लग जाती है ना, फिर वो आदत जाती नहीं है। मेरी शुरू से आदत है कि मैं सबको खाना खिलाऊंगी उसके बाद ही खाऊंगी। रीज़न मैं बता रही हूँ, बहुत ही क्लियर रीज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर संभालती हूँ, तो मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि सब पहले खा ले, क्योंकि क्या पता कोई चीज़ कम पड़ जाए या ज़्यादा पड़ जाए, मैं खा के बैठ जाऊँ और फिर किसी को मिले ना, वो चीज़ नहीं। मुझे लगता है जब सब खा लेंगे और एंड में मैं खाती हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। मैं पहले नहीं खा सकती, मुझे पहले खाना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं वो खाए भी जाए। और ये जो मैंने बनाया ना सोया आलू, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोग कोई सोया आलू की रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं बताऊँगी कभी। बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। तो अब मैंने लंच कर लिया, और लंच करने के बाद ज़रा मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो वो शाम को आने वाली है हाउस हेल्प, बट फिर भी मैं थोड़ा किचन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो जब भी आएगी तब तक मैं किचन को ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो मतलब चीज़ें सब एक तरफ रख के और थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, जो बर्तन धोने के हैं वो बाहर रख दूँगी। और फिर मुझे बनाना है लस्सी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो लंच के थोड़ी देर बाद लस्सी ज़रूर लेते हैं, तो लस्सी बनाऊँगी। पहले मैं किचन की साफ़ सफाई कर लूँ।
खैर शाम तक क्या रात तक ख़त्म नहीं होता, बट अभी का लंच के बाद का काम ख़त्म हो गया। किचन में मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया और लस्सी भी बना ली, तो अभी का काम मेरा ख़त्म हो गया। और मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि एक फ्राई पैन भेज देने के लिए, बिकॉज मेरे पास है लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसका जो नॉन स्टिक का जो लेयर होता है वो अब ख़राब हो चुका है, तो मैंने मंगवाया तो उन्होंने भेजा है मेरे लिए। इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये है वंडर शेप का, वंडर शेप काफ़ी अच्छा है और इसका हैंडल भी बहुत सॉफ्ट सा है। तो मेरे पास है अभी अभी कुछ टाइम पहले, अगर आपको ब्लॉग याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था, जिसमें दो बड़े बड़े एक कढ़ाई थी और वो जो भी, तो वो ख़राब हो गया। अभी फिर मंगाया है ये ऑमलेट वगैरह के लिए, अच्छा है, नाइस, कलर तो बहुत ही प्यारा है, आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि ये वंडर शेप का है। तो उन्होंने और पूछा था कि और कुछ चाहिए, लेकिन अभी तो मैं जस्ट आई हूँ वहाँ से, अभी तो मुझे कितने दिन हुए हैं, एक महीना अभी, वन मंथ हो गया है क्या, नहीं वन मंथ भी नहीं होगा अभी मैं आई, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी, लेकिन ये मैं भूल गई थी बोलना, तो फिर मैंने बोला तो फिर मम्मा ने मुझे वापस ही भेज दिया मेरे हस्बैंड के हाथों, और उनको चोट लगी है तो अभी तक दर्द गया नहीं, और इसीलिए मेरे हस्बैंड भी लेट आए क्योंकि उनको चोट आई थी तो फिर रुक गए। और क्या बोलो, तो आज का यही ब्लॉग था और इस ब्लॉग को आप लोगों ने आई होप कि इन्जॉय किया होगा, मैंने तो आज का दिन बहुत इन्जॉय किया बिकॉज मेरे हस्बैंड घर आ गए, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हस्बैंड घर में ना हो तो लगता है काम कम है, लेकिन घर घर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, काम होगा चलेगा, बट हस्बैंड के होने से थोड़ा सा एकदम चहल पहल घर में होता है, वो नहीं है तो मैं अकेली ऐसी पड़ी हूँ, और जीविका चलो है तो जीविका के साथ हो जाता है टाइम पास, बट हस्बैंड के होने से थोड़ा घर का लीडर हो तो मेरे मेरे मैं मानती हूँ मेरे घर का लीडर मेरे हस्बैंड नहीं है, वो कहते हैं मैं हूँ तो, बट मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड है लीडर, बिकॉज वो हमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो ही इज़ अ लीडर, तो जब वो आ गए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, एंड कोशिश करूँगी कि वो थोड़ा ना ब्लॉग में आने से थोड़ा पता नहीं, या कह लो कि उनको थोड़ा सा शर्म तो नहीं आती है क्योंकि वो खुद एक एक्टर हैं तो शर्माने की बात नहीं है, बट थोड़ा कभी कभी होता है कि कंफर्ट फील नहीं करते हैं तो इसलिए थोड़ा कम आते हैं, लेकिन मैं उनको बोलूँगी कि ब्लॉग्स में आया करें क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम दोनों साथ हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा नहीं खींचने वाली हूँ, इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में शीतल फिर आप लोगों से मिलेगी कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्या, बाय बाय एंड टेक केयर।